जय श्री राम दोस्तों, बहुत स्वागत है रंजीत तंजोराट में। और ये 59 स्केच बन चुका है मेरा और उसका मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, हनुमान जी सीता जी की खोज में समुद्र लांग के जा रहे हैं और दो बाधाएं तो बीच में आई थी, मेणाक पर्वत और सुरसा। अब अगली बाधा थी सिंह ही राक्षसी जो छाया पकड़ती थी, जिस सिंगी का राक्षस ने जो छाया पकड़ती थी, जैसे कोई अगर ऊपर उड़ रहा है तो उसकी छाया से उसको खींच लेती थी। तो जैसे हनुमान जी उड़ रहे थे तो उनको उनकी छाया को थोड़ा जकड़न महसूस हुआ, उनको लग रहा है कि कोई खींच रहा है। तब हनुमान जी को पता चला कि ये सिंगी का राक्षस ने है जो खींच रही है और उसको यमलोक पहुंचा देते हैं हनुमान जी। तो कहते हैं ना कि कोई भी कार्य बिना बाधा के संपन्न नहीं होता, और हनुमान जी को भी काफी बाधाओं का सामना करना पड़ा। और फिर प्राण भी कितना महान था कि 400 योजन हनुमान जी ने समुद्र पार किया और सीता जी की खोज में लंका गए। तो ये बहुत बड़ा कठिन प्रण था, पर हनुमान जी के लिए कठिन नहीं है, क्योंकि हनुमान जी सर्वस्थ सभी दूर व्याप्त है और सर्वशक्तिमान है और ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। तो हनुमान जी ने उसको यमलोक पहुंचा के और समुद्र पार किया। तो वो जो 59वां स्केच है, 59वां, वो मैंने यही दिखा है। मैं वो स्केच दिखाता हूँ आप लोगों को। तो वायु मार्ग से हनुमान जी जा रहे हैं और तभी सिंगिका राक्षस ने हनुमान जी की छाया को घींचती है समुद्र के अंदर। तब हनुमान जी उसको यमलोक पहुंचाते हैं। और काफी अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं वो सारे अपलोड कर चुका हूँ। तो दोस्तों, आधा ऊपर स्केच हो चुके हैं, 59वां स्केच था। 108 स्केच करने हैं, उसके बाद फिर 108 पेंटिंग बननी है। और इसी में निरंतर दिन रात में लगा हुआ हूँ कि सारे स्केच करके और फिर पेंटिंग स्टार्ट करना है। ये मेरा लक्ष्य है, हनुमान जी के प्रेरणा से, उनकी कृपा से ये कर रहा हूँ। ये उन वही करा रहे हैं, क्योंकि भगवान का के निमित्त कोई भी प्रण करता है या संकल्प लेता है इंसान, तो भगवान की बिना कृपा के या भगवान पूरा साथ नहीं दे या तब तक वो चीज़ नहीं कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ हनुमान जी ही करवा रहे हैं मुझसे, मेरे बस में ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये संकल्प भी हनुमान जी ने ही प्रेरणा दी मेरे मन में लेने की, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस स्केच से और इस संकल्प से जुड़े और जय श्री राम लिख के और मुझे प्रेरणा दें, आगे मार्गदर्शन करें। कोई भी अगर गलती हो रही हो तो मैं अपने स्केच में पेंटिंग बनाते टाइम में सुधार लूँ। तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो, जो संपूर्ण रामायण की पेंटिंग के स्केच के वीडियो जो है अच्छे लग रहे हो, तो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको देखने को मिले कि जैसे ही मैं अपलोड करूँगा आपके पास सूचना आ जाएगी कि नया वीडियो अपलोड हुआ है, तो तब तुरंत आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर किसी प्रकार से आप मुझे ऑर्डर देना चाहते हैं, किसी पर कोई भी पेंटिंग बनवाना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9313322431। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय भारत हिंदू राष्ट्र, जय हिंद, जय सनातन धर्म।